15 जून 2020 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आने वाले हैं और एक महीना सूर्य एक राशि में ही रहते हैं। 15-16 तारीख के आसपास सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन अभी सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसमें वीडियो बनाऊं। बहुत समय से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं आ पा रहे, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो बनाई थी कि काल सर्प योग काफी समय से चल रहा है पृथ्वी पे। तो बुध ने 28 मई को उस काल सर्प योग को तोड़ा जो कि 3 चरण में टूटने वाला है। बुध राहु की डिग्री से आगे और कहीं ना कहीं उस काल सर्प योग को तोड़ा। बुध मतलब हमारी कम्युनिकेशन, हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार, कहीं ना कहीं उस काल सर्प योग से बाहर आने की कोशिश की गई, जो कि हम उलझ गए थे, बंद गए थे, हम इन समस्याओं से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी भी बुध मिथुन राशि में ही बैठे हुए हैं, राहु की राशि में ही बैठे हुए हैं, तो पूरी तरीके से उस योग से वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अब सूर्य जबकि खुद भी मिथुन राशि में ही आ गए हैं, तो अब वो उस योग को तोड़ने वाले बनेंगे। अब आप ये समझ लीजिए जैसे कि ये युद्ध का मैदान है। अभी राजकुमार जो कि बुध को हम क्या कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, अभी वो आए और युद्ध के लिए गए और अभी वो आगे बढ़ गए, जीत के आगे बढ़ चुके हैं राहु से। अभी बारी है सूर्य की, और जब ग्रहण लगेगा 21 जून को, उसके बाद सूर्य की डिग्री राहु से आगे आ जाएगी, 5 डिग्री में आ जाएंगे सूर्य। तो कहीं ना कहीं आप ये कह लो कि वो वाली स्थिति वो होगी जबकि कहीं ना युद्ध होता है, तो जैसे लड़ाई होगी राहु और उनके बीच में, सूर्य के बीच में, और फिर जब सूर्य बाहर आ जाएंगे तो चीजें कहीं ना कहीं खुलने लग जाएंगी। सूर्य मतलब आत्मा, मतलब राजा, मतलब सरकार। सरकार कई चीजों से जो है ऐसे डिसीजंस लेगी कि लोगों को प्रॉब्लम से बाहर लेकर आएगी। अभी सरकार भी आप देखिए जो हालात हैं, नहीं कुछ कर पा रही है, और बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सूर्य अभी उस काल सर्पियों को नहीं तोड़ पाए हैं। जब सूर्य बाहर आ जाएंगे उस डिग्री से, तो वो युद्ध वाला समय होगा 21 जून वाला, और उस समय बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। जो भी हम ये ग्रहण देखते हैं ना, इसका इफेक्ट आगे 6 महीने तक हम देखते हैं कि क्या प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं या फिर क्या राजनीति में परिवर्तन आएगा। इस तरीके के बड़े चेंजेस को के लिए ग्रहण को देखा जाता है, और ये ग्रहण बहुत सारे आगे नए बड़े चेंजेस अगले 6 महीने में लेकर के आने वाला है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अलग ढंग से लिया जाएगा, और सरकार भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेगी, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या है कि अभी जैसे युद्ध हुआ, दोनों तरफ से युद्ध होता है, अब ग्रहण लगेगा तो सूर्य को भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं है कि सूर्य को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सूर्य बाहर तो आ जाएंगे उसकी डिग्री से, लेकिन क्या होता है कि जब युद्ध होती है तो हर एक का ही नुकसान होता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं पीड़ा होगी सूर्य को भी। तो सूर्य बाहर तो आ जाएंगे उनकी डिग्री से, एक चरण और आगे बढ़ेगा काल सर्प योग तोड़ने के लिए, लेकिन जब तक 16 जुलाई तक सूर्य पूरी तरीके से बाहर नहीं आ जाते मिथुन राशि में, अगली राशि कर्क राशि में नहीं चले जाते, तब तक इस काल सर्प योग को पूरी तरीके से हम नहीं तोड़ पाएंगे। सूर्य मतलब सरकार, 16 जुलाई के बाद हो सकता है कि जो ये हम लॉकडाउन देख रहे हैं ये बस क्या तो खत्म ही हो जाए या नाम मात्र का रह जाए, बिल्कुल ही हरी जगह, क्योंकि उसके बाद ये काल सर्प योग खत्म हो रहा है। सरकार बाहर मतलब सूर्य बाहर आ गया मतलब सरकार बाहर आ गई है, और कहीं ना कहीं नए डिसीजंस लिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें ली जाएंगी, बोली जाएंगी, और अगस्त में हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से बहुत सारी पहल होगी इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए। तो ये एक आगे की प्रेडिक्शन होगी। अभी हम बात करते हैं सूर्य की। जब सूर्य मिथुन राशि में आ रहा है तो किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी अभी सूर्य पे नहीं पड़ रही है। बुध वहीं बैठे हैं जो कि पीड़ित है, राहु भी वहीं है, शुक्र उनसे पहले वाली वृषभ राशि में है वो भी वक्री है, गुरु भी वक्री है मकर राशि में, और शनि भी वक्री है। तो कहीं भी सूर्य पे हम नहीं देख रहे कि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि है, किसी की सपोर्ट नहीं मिल पा रही है राजा को, सरकार को, और शुक्र भी वक्री है जो कि हम ये देख रहे हैं लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें हैं, मीडिया है, एयरलाइन है, होटल्स हैं, ये ट्रेवल है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं पीछे को जा रही है। किसी भी चीज की कहीं भी शुभता, कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है किसी को, तो सब लोग बहुत
डरे हैं और ये समय ऐसा ही रहेगा, लोगों के मन में थोड़ा सा डर। हालांकि जब से राहु ने अपना राशि पर वो किया है, नक्षत्र परिवर्तन किया, उसके बाद लोगों के मन से डर हटा, लेकिन अभी भी लोगों को वो महामारी से बढ़कर अपने जीवन के लिए बहुत सारे डर रहेंगे। और सरकार को अभी किसी की इतनी सपोर्ट नहीं मिलने वाली है, इसलिए ये राशि परिवर्तन सूर्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बिजनेस की राशि है, जो कम्युनिकेशन की राशि है, जो मीडिया की राशि है, उसमें अभी सूर्य आ गए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपनी तरफ से इस तरीके से कैसे आगे अर्थव्यवस्था को चलाया जाए, कैसे काम किए जाए, कैसे लॉ आगे काम करेगा, तो उस चीज की झलक वो जरूर मीडिया के थ्रू और अपनी विचारों के थ्रू वो लोगों को देगी कि कैसे अब हमें आगे जूझना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। बिजनेस की राशि है मिथुन राशि, सूर्य उसमें आगे, तो कुछ ना कुछ सोचेंगे अभी जो सरकार है कि किस तरीके से जो ये हम लोग सब फंस से गए हैं, गुंजल सा आ गया, इस चीज से कैसे बाहर निकला जाए, और सूर्य ही पहल करेंगे, जो सरकार है वही पहल करेंगे। सब सोच रहे कि अब हमें क्या सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट से क्या मिलेगी, ये चीजें क्या मिलेंगी, हम क्या, क्योंकि सब बंद गए, सब अपने घरों में बैठे हैं, बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, उसके बाद भी और ज्यादा ये महामारी फैल रही है, लोग और डर रहे हैं। हालांकि अभी इस महामारी की विषाक्तता इतनी नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं, घर में रेस्ट करके खुद भी ठीक हो ले रहे हैं, कहीं ऐसे भी मैंने केसेस देखे थे, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी ये जो टाइम है, सरकार अपनी तरफ से कोई ना कोई नियम बनाएगी, सोचेगी, और 21 जून के बाद कुछ चीजों को लेकर भी आने की सोचेगी कि क्या करेगी। तो ये महीना हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हमें बिजनेस में नहीं देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी समय से, जो मैंने बताया पहले भी वीडियोस में, कि अभी जो ये टाइम आ रहा है ना 1 अगस्त तक का, ये एक अपने आप में हिस्ट्री होगी, और अपने आप में हम ये नोट करेंगे कि जितने ज्यादा लोगों को इस समय नौकरी से निकाला गया और जितने ज्यादा लोगों के बिजनेस इस टाइम पे बंद हुए और उन्हें नुकसान हुआ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होने वाला है पूरे 100 सालों के बीच में। ये आप देख लीजिए, बहुत बड़ा आंकड़ा होने वाला है, और अभी इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को भी करना पड़ेगा और कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। तो अब वही वाला समय है कि करना तो पड़ेगा ही ना, मैदान में उतरना पड़ेगा, तो अब हमारी सरकार भी मैदान में उतर गई। हालांकि लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं ये क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन जब व्यक्ति को खुद करना पड़ता है, जो सरकार खुद संभाल रही है, वो अपने आप जानती है कि वो कैसे उन चीजों को संभाल रही है, तो अब ये चीज लोगों को समझ में आएगी। जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमारे लिए सरकार क्या नहीं कर रही, वो कर रही है, वो चीजें उन्हें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो पहले भी एक्सेप्ट कर रहे थे, और आगे आके उन्हें कोई बेहतर परिणाम भी मिलने वाले हैं। ऐसे ही मैं ज्योतिष की, रेखी की, वास्तु की, अंक शास्त्र की, और आपके ऑरे से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बहुत ही सरल भाषा में लेकर के आती रहूंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं इन सारी चीजों को बहुत ही एकदम सरल भाषा में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स डालिए, आपके लाइक आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि ये मेरी यूट्यूब की फैमिली है। अगर आप फैमिली हैं, फैमिली मेंबर है, तो आप भी कुछ कीजिए, अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जुड़ी हुई, ये वाली फीलिंग आती है। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के साथ मैं आती रहूंगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।